नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज यादव, चेस्ट फिजिशियन, वडोदरा। आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रकार, सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कितने समय तक चलेगा और ऑक्सीजन कैल्सी नाम के एक ऐप के बारे में जानकारी दूंगा। अस्पताल और घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग आम हो गया है। बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन कितने समय तक चलेगा इससे अनजान है। सिलेंडर समय से पहले खाली हो जाए तो मरीज की परिस्थिति गंभीर हो सकती है। इस वीडियो में जानेंगे इन मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, रेडी टू यूज चार्ट और एक ऐप के बारे में जो इस्तेमाल में आसान और लाभदायक है। विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी क्षमता। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर स्टील या एल्यूमिनियम अलॉय के होते हैं। स्टील ऑक्सीजन सिलेंडर की गर्दन का रंग सफेद और बॉडी को काला रंग किया जाता है और वजन में भारी होते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय ऑक्सीजन सिलेंडर की गर्दन सफेद रंग की होती है और बॉडी को रंगा नहीं जाता और वजन में ये हल्के होते हैं। अन्य देशों में सिलेंडर की कलर कोडिंग अलग होती है और सिलेंडर की क्षमताएं भी अलग होती है। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील के मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी और डी। इनकी पहचान ऊंचाई और क्षमता से की जाती है। इस चार्ट में आप ए, बी, सी, डी सिलेंडर के ऑक्सीजन की क्षमता लीटर में, जल क्षमता और ऊंचाई फुट में देख सकते हैं। इस चित्र में प्रेशर गेज दिखाया जाएगा जो सिलेंडर के दबाव को दर्शाता है और फ्लोमीटर जो दर्दी को दी जाने वाली ऑक्सीजन की प्रवाह दर दर्शाता है। यह ऑक्सीजन गेज में PSI और KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों मात्राएं दी गई है। इंडिया में हम KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं। विभिन्न सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा सिलेंडर में दबाव और सिलेंडर के नियतांक से मापी जाती है, तो इस फॉर्मूला द्वारा बताई गई है। भारत में सिलेंडर में दबाव केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। कुछ देश जैसे अमेरिका में PSI में मापा जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव 1.02 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आसान गणना के लिए इसे एक माना जा सकता है। नियतांक प्रति सिलेंडर के लिए विशिष्ट है। यहाँ यह जल क्षमता के समान है। जल क्षमता का अर्थ है सिलेंडर में पानी कितना भरा जा सकता है। कृपया ध्यान दें, सिलेंडर की जल क्षमता लीटर में इस प्रकार है। ए टाइप सिलेंडर 5 लीटर, बी टाइप 10 लीटर, सी टाइप 40 लीटर और डी टाइप 46.7 लीटर। सिलेंडर में ऑक्सीजन की क्षमता 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव और सामान्य वायुमंडलीय दबाव और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अंकित की जाती है। किंतु जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है उस समय अधिकांश सिलेंडर का दबाव 120 से 140 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। घटते दबाव पर सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। यह चार्ट विविध प्रकार के सिलेंडरों में विभिन्न दबाव पर ऑक्सीजन की मात्रा लीटर में दर्शाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने समय तक चलेगा। सिलेंडर का ऑक्सीजन कितने समय चलेगा यह निर्भर करता है सिलेंडर के दबाव, नियतांक और ऑक्सीजन के प्रवाह दर पर, जो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन प्रवाह दर लीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। नियतांक प्रति सिलेंडर के लिए विशिष्ट है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उदाहरण देखें, 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव और 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्रवाह दर पर कौन सा सिलेंडर कब तक चलेगा वह इस चार्ट में दिया गया है। सिलेंडर ए, बी, सी और डी कितने समय चलेगा ये आप देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, सही गणना तभी संभव है जब ऑक्सीजन का कोई रिसाव या लीक ना हो और फ्लोमीटर विश्वसनीय हो। आसान दर के लिए कुछ चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं और एक ऐप उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। ध्यान दें, इन चार्ट में 0.25 = 15 मिनट, 0.50 = 30 मिनट और 0.75 = 45 मिनट। चार्ट में समय की गणना निकटतम 15 मिनट के लिए की गई है। ए चार्ट, बी, सी और डी, ये सारे चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा और समय की गणना करने के लिए पहले दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। नियतांक के लिए वाटर कैपेसिटी की वैल्यू का प्रयोग करें। ऐप ऑक्सीजन कैल्सी बाय डॉक्टर मनोज यादव। इस ऐप से ए, बी, सी, डी सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा और सिलेंडर के खाली होने में कितना समय बचा है आसानी से जान सकते हैं। डाउनलोड के लिए QR कोड को स्कैन करें या दिए गए लिंक पर क्लिक करें। खोलने पर ऐप इस तरह काम करता है। यहां से सिलेंडर ए, बी, सी, डी का चयन करें। स्लाइडर से सिलेंडर का दबाव चुनें। इस स्लाइडर से ऑक्सीजन प्रवाह दर चुनें और आप देखेंगे सिलेंडर का ऑक्सीजन कब तक चलेगा वो यहाँ दर्शाया गया है और सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर दर्शाई गई है। सही गणना तभी संभव है जब फ्लोमीटर विश्वसनीय हो और ऑक्सीजन की कोई लीक ना हो।
ऑक्सीजन के लीक के कारण जानिए। फ्लो मीटर को पूरी तरह फिट नहीं किया गया हो, फ्लो मीटर के विभिन्न पार्ट्स पूरी तरह फिट नहीं हो, फ्लो मीटर में क्रैक हो, ह्यूमिडिफायर बॉटल की रिंग ना होने से ह्यूमिडिफायर बॉटल अधूरी बंद की गई हो या ऑक्सीजन पाइप में छेद हो, दरार के साथ फ्लो मीटर रिंग ना होने पर या पूरी तरह फिट ना किया जाए, ये सब लीक के कारण यहाँ बताए गए हैं। लीक जानने के लिए साबुन का पानी स्प्रे करें और बुलबुले देखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक रहेगी। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।